आज की हमारी इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। घर का फ्रिज खराब हो गया है या फिर आप अकेले रहते हैं और फ्रिज नहीं लेना चाहते हैं तो आप नेचुरल तरीके से मटन को सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। आइए जानें ऐसे ही कुछ आसान से टिप्स के बारे में। सबसे पहले आप मटन को अच्छे से वॉश कर लें और उसे छन्ने में डालकर सुखा लें। यहाँ पर मैंने 4 kg बकरे का गोश्त लिया है। इसे अच्छे तरह से धो लिया, छन्ने में डालकर सुखा लिया। इसमें चर्बी भी है और गोश्त के पीस भी हैं, थोड़े से हड्डी के पीस भी हैं। गोश्त के साथ साथ इसमें फेट होना बहुत ज़रूरी है। गोश्त को मैंने एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर मैं 3 teaspoon नमक डाल रही हूँ। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर। अब इसमें डालेंगे 2 bay leaf, 2 inch के दालचीनी के टुकड़े और 2 बड़ी इलायची। सारी चीज़ें एक साथ डाल दें। इसमें मैं पानी नहीं डालूंगी क्योंकि पानी डालने से ये जल्दी ख़राब होता है। इसमें जो मॉइस्चर होता है ना उसी में ये अच्छी तरह से गल जाएगा। और कुकर का ढक्कन लगा देंगे और अब गैस चालू कीजिए। इस पर कुकर रखिए और 3 से 4 सीटी आने तक गोश्त को उबाल लीजिए। मटन को उबालने के बाद मैंने इसे एक थाली में डाल करके अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। देखिए गोश्त ठंडा भी हो गया और अच्छी तरह से टेंडर भी हो गया है। एक पीस मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो गया है और इसे उबालने के बाद इसमें पानी ना के बराबर बचा था क्योंकि इसमें हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया था। अब आगे का प्रोसेसर देख लेते हैं। तो इस गोश्त को हमें एक कढ़ाई में डालकर फ्राई करना है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर पहले से गर्म कर लिया है। ये तेल जो है इसमें मैंने एक दिन पहले चॉप्स वगैरह तली थी वही तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसमें हम डाल देंगे गोश्त और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। बस इसके अंदर के पानी को बाहर निकाल दें ताकि बैक्टीरिया ना पनप सकें और इसे कुछ देर फ्राई कर लें या फिर आप इसे माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं। तलने की प्रक्रिया गोश्त से नमी को बाहर निकाल देती है जिससे बैक्टीरिया के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण कम हो जाता है। कम नमी वाले वातावरण में बैक्टीरिया धीमी गति से बढ़ते हैं और शायद ही पनप पाते हैं। तलने से गोश्त पर तेल की एक परत बन जाती है जो हवा और बैक्टीरिया को बाहरी सतह से दूर रखने में मदद करती है। ये एक अवरोध बनाता है जो इसे ख़राब होने से रोकता है। अक्सर तलने से पहले गोश्त में नमक मिलाया जाता है। नमक जल शोषक होता है और इसे अधिक नमी निकाल कर बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। ये गोश्त के स्वाद को भी बेहतर बनाता है और इसे सुरक्षित भी रखता है। गोश्त को तेज आंच पर तलने से हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं। कुछ मामलों में गोश्त को तलने से पहले इसमें सिरका या नींबू का रस जैसी एसिडिक सामग्री मिलाई जाती है। एसिड बैक्टीरिया के विकास को रोकने में मदद करता है और गोश्त को सुरक्षित रखता है। ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। सभी प्रकार के तले हुए गोश्त को बिना फ्रिज के लंबे समय स्टोर नहीं किया जा सकता है। कीमा बनाया हुआ मांस और ज़्यादातर फुल फैट वाले गोश्त तेज़ी से ख़राब हो सकते हैं। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है। इसमें से चटचट की आवाज़ आ रही है और पानी पूरी तरह से सूख गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इस गोश्त को एक अलग थाली में निकाल करके ठंडा करेंगे। और इसके बाद जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इस पर एक कार्टन का टुकड़ा ढाक करके इसे आप हवा में रख दीजिए सूखने के लिए। अच्छी तरह से सूख जाए तब इसे आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा। आप चाहें तो इसे इसी तरह से भी खा सकते हैं। अच्छी तरह से टेंडर हो गया है तो इसमें सेंधा नमक, चाट मसाला पाउडर और मिर्च, काली मिर्च भुरक दें और फिर इसे खाएंगे। बहुत टेस्टी लगता है। गोश्त को स्टोर करने से पहले आप पंखे में इसे अच्छी तरह से सुखा लीजिए। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्राई किए हुए गोश्त को लंबे समय तक स्टोर करना हेल्थ के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ताज़ा गोश्त हमेशा सबसे अच्छा होता है और अगर आपके पास फ्रिज है तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।